तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की, किस तरीके से सेट किए जाने चाहिए 2024 के लिए गोल्स, क्या होने चाहिए आपके गोल्स, और 2023 के अंदर जो चीजें आप नहीं अचीव कर सके उनको 2024 में आप अचीव करें, कैसे करना चाहिए अपने 2024 का स्वागत। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपने पिछले साल भी जरूर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए होंगे और ज्यादा से ज्यादा वो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक ही चले होंगे। तो किस तरीके से लिए जाएं अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन ताकि हम उनको अचीव कर पाए, तो आज बात करेंगे हम एक ऐसे तरीके की जिससे आप अपने गोल्स को सही मायने में अचीव कर सकते हैं। आपके गोल्स होने चाहिए स्मार्ट, यानी के स्पेसिफिक, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। आप अपने नए साल से क्या उम्मीद रखते हैं, अपने आप से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं नए साल के अंदर, आप क्या अचीव करना चाहेंगे, वो सबसे पहले स्पेसिफाइड होना चाहिए। सेकंड, आपका गोल होना चाहिए मेजरेबल। अगर हम अपने गोल्स इस तरीके के रखते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं, तो वो एक स्पेसिफाइड मेजरमेंट में नहीं काउंट होते हैं, जिस वजह से हमारी कॉन्शियस को नहीं पता होता है कि हमें क्या अचीव करना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अपने गोल सेट करते हुए कोशिश करिए कि जो आपके गोल्स हैं वो मेजरेबल हों, कि कितना। आप सिंपल गोल रखिए, मैं इस साल 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं इस साल 50 लाख रुपए कमाऊंगा, मुझे इस साल अपने सेविंग्स के अंदर 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए अपने गोल्स को मेजरेबल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके गोल्स होने चाहिए अचीवेबल। गोल सेट करते हुए एक बहुत जरूरी पायदान है कि आपके गोल्स अचीवेबल भी जरूर हों। ऐसे गोल सेट करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है कि मैं चांद पर जाऊंगा, मैं तारे तोड़ के लाऊंगा। गोल्स इस तरीके के होने चाहिए जो अचीवेबल हों, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या अचीवेबल है ये आप भली भांति जानते हैं। तो आपका गोल होना चाहिए अचीवेबल ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें उस गोल को अचीव करने के बाद, और अगले साल उससे बेहतरीन गोल अगले साल के लिए रखें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योर गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। बहुत बार देखा गया है कि हम अपने गोल्स सिर्फ सेट करने के लिए ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं जिनके कोई मायने ही नहीं होते। मसलन, मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूं, मैं आमिर खान बनना चाहता हूं। अच्छा, ये गोल्स रियलिस्टिक नहीं है फ्रेंड्स। आपके गोल्स होने चाहिए रियलिस्टिक, आपकी हकीकत के अनुसार, आप जिस पायदान में हैं आप वहां से गोल सेट करिए, आपको वहां से ऊपर कहां जाना है। और लास्ट पॉइंट, आपके गोल होने चाहिए टाइम बाउंड। आप कोई भी गोल सेट करते हैं, जब तक आप उसको एक सीमा रेखा के अंदर तय नहीं करेंगे वो गोल कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो आपको गोल सेट करना है एक टाइमलाइन के हिसाब से। मसलन, मैं अक्टूबर 2024 से कम 50 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में इकट्ठे करूंगा। ये होता है स्पेसिफाइड, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड गोल। इस तरीके से अगर आप अपने गोल्स को सेट करेंगे तो फ्रेंड्स, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कभी भी फेल नहीं होंगे और आपके सेट किए हुए गोल्स हमेशा कहलाएंगे स्मार्ट गोल्स, और स्मार्ट गोल्स ही अचीवेबल होते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके गोल सेटिंग के अंदर जरूर काम आएगी और इन सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखेंगे गोल सेट करते हुए। इसी तरीके की कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करिए मेरे चैनल को और अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखिए।